चल नहीं सकता। ये एयरपोर्ट इसलिए बन रहे हैं कि जिस समय एयरपोर्ट बन करके तैयार हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी इसको भी बेच देगी। कौन भरोसा करेगा इन पर? ये सरकार का हवाई अड्डा बिक गया, सरकार एक हवाई अड्डा बना रही है, और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। जब मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, मुझे वो समय याद आया जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज पे चल लिए हैं? यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया, और जो हवाई जहाज के गणित समझेगा वो सोचेगा क्या गणित है हवाई जहाज का। जितने भी एयरपोर्ट बने हैं सब घाटे में है। दिल्ली का एयरपोर्ट कई हजार करोड़ में घाटे में है। जो हमारी सरकारी हवाई जहाज यात्रा करने वाली एयरलाइंस, वो घाटे में 60,000 करोड़ के घाटे में। हम लोग यहां से गिनते चले जाएं, आप बलिया और गाजीपुर पहुंच जाओगे, रुपया नहीं गिन पाओगे कितने घाटे में एयर इंडिया का हवाई जहाज है। जो प्राइवेट चल रही है वो भी घाटे में है, जो एयरलाइंस चल रही सब घाटे में है। तो सोचो, एयरपोर्ट घाटे में, हवाई जहाज चल रहा है वो घाटे में, तो ये भारतीय जनता पार्टी का गणित क्या है जो मुनाफा लोग कमा रहे हैं? क्या मुनाफा का गणित है? कोई समझ में आए तो समझाए हमें कि आखिरकार क्या गणित है इसमें। एयरपोर्ट घाटे में, हवाई जहाज घाटे में, सरकार एयरपोर्ट बना रही है, गरीब चल नहीं सकता। ये एयरपोर्ट इसलिए बन रहे हैं कि जिस समय एयरपोर्ट बन करके तैयार हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी इसको भी बेच देगी। ये शिलान्यास हो रहा इसलिए, कल ये एयरपोर्ट इनको बेचना है। जिस देश में चीजें बिकने लगे, सरकारी संस्थाएं बिकने लगे, तो बताओ हमारे गरीब चौहान समाज के लोगों, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें अधिकार और सम्मान के लिए, जो संविधान